नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा दोस्त मनु मोड़। एफसी वॉचमैन रिलेटेड हर न्यूज़ जानने लिए साडा टैलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जिसका लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हुण मेन गल यह है दोस्तों, एफसी वॉचमैन के एग्जाम डेट मार्च तक रिलीज़ हो जाएगी, यह अंदरों न्यूज़ आ रही है। हाले तक काफ़ी बच्चे ने काफ़ी चंगी प्रिपरेशन भी कर ली है, तो काफ़ी बच्चे हाले सिलेबस बारे ही डाउट है। तो सब तो पहला ये तुहाडे सामने है, यह ऑफिशियल सिलेबस है जिहड़ा तुहाडे सामने है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, इंग्लिश ते न्यूमेरिकल एबिलिटी। यह हूँ यह सिलेबस तो सारे को ओबियस होगा, पर काफ़ी बच्चों को यह नहीं पता कि इस दे अंदर जनरल नॉलेज के अंदर किहड़े किहड़े टॉपिक आप कवर करने ने, तां जो अपने एग्जाम विच चंगे नंबर मिल सकन। इस बारे गल करेंगे। उस तो पहले मैं तुम्हें दसदा पंजाब एफसीआई वॉचमैन रिगार्डिंग मैं पूरी प्लेलिस्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट तुम्हें प्रोवाइड करवाई हुई है। इन्ह क्लासेस विच सिर्फ इंपोर्टेंट ते एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिहड़े एफसीआई वॉचमैन दे एग्जाम विच आ सकते हैं वह कवर हुए हैं, तो करके एक बार जरूर इन्ह क्लासेस नूं अटेंड कर लियो एंड क्वेश्चन नूं राइट डाउन जरूर कर लियो। जे तुहानूं क्लासेस यह फाइंड करनियां, सीधा यूट्यूब ते तुसीं सर्च कर सकते हो एफसीआई वॉचमैन क्लासेस बाय मनू मोड़, पूरी प्लेलिस्ट तुहानूं मिल जाएगी। इस तों अलावा साडा टैलीग्राम चैनल भी तुसीं ज्वाइन कर दिओ, जिस विच वी तुहानूं क्लासेस दे लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे। तो हुण आपां गल कर लैंदे आ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी विच किहड़े किहड़े टॉपिक आप कवर करने ने, तां जो आप क्वालीफाइंग मार्क्स एग्जाम विच हासिल कर सकीए। तो सब तो पहले आप गल करनी है जनरल नॉलेज की। दोस्तों जनरल नॉलेज के यह सारे टॉपिक्स ने यह कवर करने लाजमी ने जे चंगे नंबर लैने ने, ज़्यादा टफ नहीं ने यह टॉपिक। मैं मोस्टली जिस टाइप के एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं उन्होंने टॉपिकों ही इस वीडियो कवर किया हुआ। सब तो पहले आपको स्पोर्ट्स रिलेटड जीके कवर करनी पवेगी, मतलब खेल रिलेटड किहड़ी खेड कित्थे हुई, किहड़े खिडारी ने किहड़ा इनाम जितया, उन्हें किहड़ा अवार्ड नाल सम्मानित किया गया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो मैं ऑलरेडी क्लास भी तुम्हें इस रिलेटड प्रोवाइड करवा दी है। इस तो अलावा इंडियन के पंजाबी कल्चर के रिलेटड लोक नाच, डांस हो गए जोड़े है, भंगड़े भुंगड़े गीत, लोक गीत हो गए, इस तरह दीज़ा एग्जाम काफ़ी पूछी जाए। इस तो अलावा हिस्टरी, इंडियन अते पंजाब दी हिस्टरी बारे पक्के क्वेश्चन तुहानू देखण नू मिलणगे। इंडियन पोलिटी रिलेटड, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटड भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम विच तुहाडे तों पुछे जाणगे, ते ऑलरेडी मैं इस दी काफ़ी क्लासेस तुहानू प्रोवाइड करवा दित्ती है। इस तों अलावा बुक एंड ऑथर, मतलब कि किताब अते उस दे लेखकां दे नाम, जिहड़ी इंपोर्टेंट बुक्स होई ने ते उहनां दे लेखक ने, उहनां बारे एग्जाम विच इक या दो क्वेश्चन जरूर पुछा जांदा है। इस तो बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, तो इस रिगार्डिंग मैं कॉन्स्टेबल की क्लासेस प्रोवाइड कराई सी, वह क्लासेस तुसी ले लियो, लगभग सेम ही टॉपिक है, सेम ही सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे चैनल पर इस रिलेटेड क्लास चैक कर सकते हो तुसी। डे एंड डेट्स, इंपोर्टेंट डेट्स केड़ियां ने, इस बारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनवायरमेंट रिलेटेड भी दो या तीन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तो अलावा एक क्वेश्चन नैशनल पार्क का पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। इस तो अलावा इंपोर्टेंट टेंपल्स, मतलब जो मंदिर ने अपने इंडिया के प्रमुख मंदिर ने, उन्होंने बारे भी एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। इस तो अलावा जियोग्राफी ऑफ पंजाब रिलेटेड भी दो या तीन क्वेश्चन एग्जाम में पक्के थोड़े तो पूछे जाएंगे। तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है करंट अफेयर में की करिए। दोस्तों कुछ नहीं करना, यूट्यूब से सीधा तुम सर्च मारना 6 मंथ करंट अफेयर, मतलब आप जिहड़े 2020 की आपां 6 महीनों की करंट अफेयर कवर कर लेंगे। तो इस तों अलावा जो एक्सट्रा थोड़ा पढ़ना, 3 महीने जिहड़े अपने यह चल रहे 2021 दे, 2022 दे, तां 3 महीने की यह जिहड़ी आपां करंट अफेयर नूं कवर कर लेंगे, तो ईजीली करंट अफेयर थोड़ा सारा सिलेबस करंट अफेयर का कवर हो जाएगा। इस तों बाद आपां गल कर लेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में दोस्तों सिर्फ यह टॉपिक कवर कर लो, तुहाडे बहुत वधिया नंबर एग्जाम में आ जाएंगे। एनालॉगी के क्वेश्चन, क्लासीफिकेशन, सीरीज़, डिक्शन एंड डिक्शन टैसट, दसो किमें करना तुम, सॉरी मैं एवं तुम्हें सिलेबस का दसी जाना, जस्ट सिंपल जहा तरीका, जिमें हूँ तुम कोई क्लास लैनी है यूट्यूब पर सर्च मारो एनालॉगी क्लास रीजनिंग लिख के, तो पूरी क्लास ले लो, कॉपी तो टाइप डाउन कर लो, इसलिए तो परफेक्टली माइंड में यह बैठ जाएगा कि एनालॉगी होंगी की है एंड यह सम किस तरह सॉल्व करना। इसी तरह मैं जेडे भी तुम्हें हर टॉपिक्स दसे ने उसी तरह तुम यूट्यूब पर सर्च मार सकते हो, क्लास लगा के अपनी राइट डाउन जरूर करते रहो। इस तो अलावा डिक्शन टैसट, वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, मिसिंग करैक्टर, क्यूब्स एंड डाइज,
ਹਾਂ ਇਹ ਟੋਪਿਕਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡਮੋਸ ਰੂਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਜਾਂ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਟਾਈਮ ਡਿਸ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਏਵਰੇਜ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਲੇਟਡ, ਨਾਊਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਰਿਲੇਟਡ ਪੱਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਬ ਰਿਲੇਟਡ, ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਅਤੇ ਐਟੋਨੀਅਮਸ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ 2-3 ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਟੈਂਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟ ਅਰੋਰ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਈਡੀਅਮਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਅਤੇ ਐਟੋਨੀਅਮਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।